हेलो एवरीवन स्वागत करती हूँ आप सभी का कैसे हो आई होप गाइस अच्छे होंगे इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर का सिचुएशन और फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है उनका सिचुएशन क्या चल रहा है उनके लाइफ में और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनका करेंट सिचुएशन और करेंट फीलिंग्स की रीडिंग है ठीक है तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप सभी कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें और प्राइवेट ट्रेडिंग बुक करना हो तो दिएगा नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है कॉल अलाउ नहीं है ठीक है तो चेक कर लेते हैं आप बिना देरी के आपके पार्टनर की फीलिंग्स और सिचुएशन क्या है उनका सिचुएशन और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं नाउ न्यू विजन आपके पर्सन ने किसी एरिया ऑफ लाइफ में नई शुरुआत की है अपने कैरियर में और मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं ये ना काफ़ी होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे थे कोई उम्मीद ही नहीं थी इस पर्सन को कि आगे हमारे बीच कुछ हो सकता है हम एक हो सकते हैं हमारे बीच कॉम्पिटिशन आ सकता है हमारे रिश्ते को विक्ट्री मिल सकता है सक्सेस मिल सकता है इस पर्सन ने ना उम्मीद ही खो दी थी तो पता नहीं इस पर्सन की लाइफ में अचानक से क्या हो गया मैं ना कुछ देख पा रहे के लाइफ में यूनिवर्स इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ न यूनिवर्स इनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं आई एम सॉरी गायश यूनिवर्स इनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं ना कि ये पर्सन वापस से आपके बारे में आपके रिश्ते के बारे में सोचने लगे हैं नई शुरुआत के बारे में सोचने लगे हैं एक नए दृष्टिकोण से ये पर्सन आपके रिश्ते को आपको देखने लगे हैं कि नहीं अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम एक हो सकते हैं मेरी लाइफ में उसके बिना कोई सुकून नहीं है कोई कंप्लीस नहीं है एक वही तो है जो मेरा इकलौता प्यार है मेरा प्यार है मेरा सुकून है मेरी ज़िंदगी है और एक वही तो है जिसके साथ मैंने ड्रीम देखा है जो मेरा सपना है जिसके साथ मैं कॉम्प्लीसन चाहता हूँ जिसके साथ मैं ज़िंदगी चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं उसको यूँ ही नहीं छोड़ सकता या सिचुएशन मुश्किल है या मुझे ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है नामुमकिन है सिर्फ इसी वजह से मैं उसको छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती क्या पता मेरे एफर्ट्स करने से हमें सक्सेस मिल जाए हम एक हो जाए बिल्कुल मैंने सुना है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं पा सकता ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ ठीक है इनका थॉट्स इनके एनर्जी बता रही हूँ आपको इनको यही लगता है ये मैंने सुना है कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता या कर सकती तो मैंने भी ये ठान लिया है कि मुझे भी अब सक्सेस चाहिए मुझे एक होना है मुझे कॉम्पिटिशन चाहिए मुझे हारमनी चाहिए प्रश्न ने ठाना है फैसला लिया है कि अब ये पर्सन कुछ करेंगे फर्स करेंगे बिना गिव अप करे कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहेंगे जब तक आपके साथ एक नहीं हो जाते हैं जब तक आपका यूनियन रीयूनियन या मैरिज नहीं हो जाता तब तक ये पर्सन कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहेंगे और ये फैसला इनका दिल और दिमाग दोनों का है ये पर्सन आपके बारे में सोच कर ही काफ़ी खुश काफी, काफी हैप्पी फील करते हैं काफ़ी सुकून मिलता है बस आपके बारे में सोच कर ही ये पर्सन इमेजन कर रहे हैं विजुलाइज कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो चुके हो आप दोनों का मैरिज हो चुका है आप दोनों साथ में रह रहे हो एक नई शुरुआत हो क्या है एक नई लाइफ है आप दोनों का या विजुलाइज कर रहे हो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अपना रहे हो तो ये पर्सन की सेम एनर्जी है ठीक है अगर आप विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो किसी तरह से मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को तो इस पर्सन की सेम एनर्जी है मिरर कर रहे हैं ये पर्सन मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को ठीक है ये पर्सन भी यही सब विजुअलाइज कर रहे हैं ये इनमें जो नई उम्मीद नई ताजगी जो नई दृष्टिकोण से ये पर्सन आपको आपके रिश्ते को देखने लगे हैं आपके मैनिफेस्टेशन असर है ठीक है जो आज ये पर्सन जिस पर्सन ने उम्मीद ही खो दिया था जिस पर्सन ने गिवअप कर दिया था जिस पर्सन ने हार मान लिया था आज वो पर्सन सक्सेस चाहते हैं आपके रिश्ते में जिस पर्सन में हिम्मत नहीं थी करेज नहीं थी आज वो पर्सन हिम्मत के साथ कुछ करना चाहते हैं जो पर्सन कभी काफी लो एनर्जी में रहा था आज काफी एनर्जाइज है आपको आपके रिश्ते को लेकर तो मैं इस पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ तो ये है गाइस आपकी शॉर्ट रीडिंग आई होप आपके लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी अगर रीडिंग आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बाय टेक केयर